नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्पन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के पद्य भाग में से रैदास के पद पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। रैदास संत कवि माने जाते हैं और उनकी भाषा सरल साधारण व्यावहारिक ब्रज भाषा है। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं उसकी खबर आपको मिलती रहे। चलिए कविता की ओर चलते हैं, रैदास के पद की ओर चलते हैं। पहले पद में सहज भक्ति प्रकट की गई है। यहाँ पर ईश्वर और भक्त, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रकट किया गया है। ईश्वर परमात्मा है, हम आत्मा यानी भक्त है। हमारे बीच और ईश्वर के बीच यानी आत्मा और परमात्मा के बीच किस प्रकार का संबंध है वो यहाँ पर रैदास व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। राम यहां ईश्वर के लिए आया है, रट लागी यानी ईश्वर के नाम की रट लग जाना, चंदन आप जानते हैं, पानी भी आप जानते हैं, अब अंग अंग यानी शरीर के हर एक अंग की बात की जा रही है, बास यानी सुगंध, समानी यानी समा जाना, घन घन यहां पर बादल है, घन यानी बादल, हम मोरा मोरा यानी मयूर मोर, चितवत चितवत यानी निहारना देखना, चंद यानी चांद और चकोरा चकोर पक्षी के लिए आया है। चलिए अब अर्थ समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब रैदास ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम की रट अब मेरे जुबान पर लग चुकी है, मैं लगातार आपके नाम की रट लगाता रहता हूं, वो अब कैसे छूटेगी, यानी आपकी भक्ति मेरे मन में समा चुकी है, अब वो लाख कोशिश करने पर भी नहीं छूटेगी। अब यहां पर रैदास अपने में और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो ईश्वर को चंदन कहते हैं। चंदन की क्या विशेषता होती है? चंदन खुशबूदार होती है। तो कहते हैं कि हे ईश्वर तुम चंदन हो और हम पानी हैं। रैदास अपने आप को पानी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब चंदन किसी भी चीज में लग जाता है तो उस चीज में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। उसी प्रकार जब चंदन पानी में घुल जाता है, थोड़ा सा भी चंदन अगर पानी में घुल जाए तो पानी खुशबूदार हो जाता है। तो रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर तुम चंदन हो और हम पानी हैं, यानी तुम्हारी भक्ति के कारण हम भी महक उठे हैं। जाकि अंग अंग बास समानी, आपकी ये भक्ति मेरे अंग अंग में समा चुकी है और अंग अंग को सुगंधित कर चुकी है, यानी आपकी भक्ति के कारण आपके चंदन की खुशबू मेरे शरीर में समा चुकी है और जो मैं जो पानी की तरह हूँ उस खुशबू में पूरी तरह से रम चुका हूँ, मैं भी सुगंधित हो चुका हूँ। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन, हे ईश्वर तुम काले घने बादल के समान हो। यहां पर रैदास अपने और ईश्वर के बीच तुलना कर रहे हैं। आगे वो तुलना यही कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप बादल के समान हो। बन हम मोरा, बन यहां पर जंगल के लिए, कहते कि हम जंगल के मोर के समान हैं। जब काली घटा छा जाती है तो जंगल के मोर क्या करते हैं? खुशी से झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। तो रैदास कहते कि हे ईश्वर आपकी भक्ति में मैं खुशी से नाच उठता हूं, यानी आपको देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपने आप को भूलकर उस भक्ति में डूबकर खुशी से झूम उठता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर पक्षी का नाम है। माना जाता है कि चांद इसका प्रेमी होता है, तो चकोर लगातार चांद को निहारता रहता है। तो रैदास कहते हैं, हे ईश्वर मैं चकोर के समान हूँ, आप चांद के समान हो, मैं आपको लगातार निहारता रहता हूँ, आपकी भक्ति का इंतजार करता रहता हूँ, आपको पाने का इंतजार करता रहता हूँ।
अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। दीपक यानी दिया, बाती यानी बत्ती दो जो दिए में जलती है, ज्योति यहां पर चमक के लिए आया है, बरे यानी बढ़ना ज्यादा होना, मोती अमूल्य रत्न हम जानते हैं, सो नहीं सोना है, और सुहागा वो द्रव्य है जिससे सोने को और ज्यादा निखारा जाता है, उसकी शुद्धता को और बढ़ाया जाता है। अब स्वामी यानी ईश्वर, दासा यानी दास भक्त, अब यहां रैदास, रैदास ने अपना नाम इस पद में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं समझाती हूं उसे, सुनिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, अब आगे रैदास ईश्वर को दीपक कहते हैं, दिया कहते हैं और खुद को बत्ती कहते हैं। अब दिए में बत्ती जलती रहती है, रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर आप दिए के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूं। जो दिए में तेल रहता है वो भक्ति के समान है, तो उसके कारण लगातार रैदास में चमक बढ़ती रहती है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, यानी ईश्वर जो दीपक के समान है उसमें रैदास बत्ती के समान जलते रहते हैं और इस बत्ती की चमक दिन रात बढ़ती ही रहती है। यानी ईश्वर की भक्ति में रैदास इतने ज्यादा रम चुके हैं कि लगातार ईश्वर की भक्ति के कारण उनकी चमक, उनकी ज्योति, उनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ती रहती है। वो आगे कहते हैं कि हे प्रभु तुम मोती, ईश्वर को मोती कहते हैं, मोती अमूल्य रत्न है, पवित्र होता है, और खुद को धागा कहते हैं। कहते हैं कि मोती तो अमूल्य है, पवित्र है, उसमें चमक होती है, और उसके साथ जब धागा मिल जाता है तो धागे भी की भी कीमत बढ़ जाती है। यानी रैदास यहाँ पर अपने आप को धागा कहते हैं और कहते हैं क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में समा चुके हैं, ईश्वर अमूल्य हैं और उनकी भक्ति में समाने के कारण रैदास भी, रैदास की कीमत भी, रैदास का ओहदा भी बढ़ चुका है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, अब कहते हैं क्योंकि आपकी भक्ति में रमने के कारण मेरा ओहदा थोड़ा बढ़ चुका है और अब मैं सोने के समान हूं, सोने में चमक है, आपकी भक्ति की चमक मेरे अंदर आ चुकी है, लेकिन आप सुहागे की तरह हो। जिस प्रकार सुहागे के साथ सोने की कीमत और ज्यादा निखर कर आती है, उसी प्रकार आपकी संगत में मेरी भक्ति और ज्यादा निखर कर आ रही है। यानी रैदास के कहने का अर्थ है कि ईश्वर के साथ रहकर, ईश्वर के संबंध में रहकर, ईश्वर के सामीप्य में रहकर रैदास की भी कीमत बढ़ चुकी है, रैदास की भी भक्ति बढ़ चुकी है। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कहते हैं ईश्वर आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं, ऐसी भक्ति करे रैदासा, और रैदास ऐसी ही भक्ति लगातार करता रहेगा, यानी आपकी भक्ति में लगातार डूबा रहेगा। अब यहां पर संभावित प्रश्न यही हो सकता है कि परमात्मा और आत्मा के बीच किस प्रकार की तुलना की गई है, या इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि रैदास ने ईश्वर और भक्त के बीच कैसी तुलना की है। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। इस पद में ईश्वर की महानता का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच नहीं देखते। चलिए पहले पद पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कौ लागे, ता पर तू ही धरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहो ते ना डरे, नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। चलिए पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। लाल यहां पर ईश्वर के लिए आया है, तुझ बिनु यानी तुझ बिना, कौनु
कौन, करे, करे का मतलब है करता है, यानी भक्तों से प्रेम करना, कौन करता है। गरीब निबाजू यानी दीन दुखियारों की रक्षा करने वाला। गुसैया ईश्वर के लिए आया है। माथे यानी माथा। छत्रु का मतलब है मुकुट, और धरय मतलब रखना। जाकी छोटी, यहां पर छोटी छुआछूत के लिए आया है, छोटी जाति के लिए आया है। जगत दुनिया के लिए आया है। तू ही धरय, धरय यानी प्रसन्न होना। आगे है नीचो यानी नीच, नीचे। ऊंच, ऊंचा करना। फिर से गोविंदु ईश्वर के लिए आया है। काहू ते यानी किसी से ना डरे। नाम देव कबीर तिलोचनो सधना सैनु, ये सब अलग अलग संतों के नाम है। रविदास हूँ फिर से रैदास के लिए है। और हरि जीव यानी हरि जी से, ईश्वर से। सरे संभव है। चलिए अब अर्थ समझा दूं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। यहाँ पर रैदास ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी तरह इन भक्तों को प्रेम देने वाला और कोई नहीं है। तुझ बिनु तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बिना भक्तों को कोई और इतना प्रेम नहीं करता, उनको इतना सम्मान नहीं देता, उन्हें इतना अपना कोई और नहीं मानता। गरीब निवाजू गुसैया, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियारों को की मदद करने वाला। गुसैया ईश्वर कहते हैं, आप ईश्वर, आप इन दीन दुखियारों की मदद करते हो। मेरा माथे छत्रु धरे। अब माथे छत्रु धरे दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक तो है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते हैं, दीन दुखियारों की मदद करते हैं, तो उनके माथे पर, उनके सर पर सम्मान का मुकुट रखते हैं, यानी अपने भक्तों का भी सम्मान करते हैं। और क्योंकि वो भक्तों का सम्मान करते हैं, ईश्वर का भी सम्मान ये भक्त अपने आप ही करते हैं। यानी सम्मान का मुकुट ईश्वर खुद भी धारण करते हैं और अपने भक्तों के माथे पर भी सम्मान का मुकुट रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं सम्मान का मुकुट? किस प्रकार माना जा सकता है कि सम्मान का मुकुट रखते हैं? जाकी छोटी जगत को लागे। जिन लोगों की जाति दुनिया वालों को छोटी लगती है, यानी दुनिया वाले जाति भेदभाव देखते हैं, छुआछूत देखते हैं, तो कहते हैं जो लोग छुआछूत की भावना रखे हुए हैं, जो लोग छोटी जाति के लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम अपनाते हो। ता पर तू ही धरे, ऐसे लोगों को आप प्रसन्न करते हो, आप अपनाते हो। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु। नीच जाति के लोगों को ऊंचा करता है, यानी निम्न जाति के लोगों को सम्मान देता है, उन्हें अपना लेता है, उनकी भक्ति को अपना लेता है। मेरा गोविंदु मेरा ईश्वर, काहू ते ना डरे, और किसी से नहीं डरता। ईश्वर वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे सही लगता है, और वो इन नीच जाति वाले लोगों को प्रसन्न करता है, खुद भी उनके कारण प्रसन्न रहता है, और कभी भी इनमें भेदभाव, अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं देखता। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु, ये सारे ये पांचों संतों के नाम है, और ये पांचों संत निम्न जाति के थे, लेकिन निम्न जाति के होने के बावजूद इनकी भक्ति ऐसी थी कि ईश्वर ने इन्हें अपना लिया था, इसलिए इनके नाम यहाँ दिए गए हैं कि नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरह। तरह यानी ईश्वर ने इनका उद्धार किया था, सांसारिक मोह माया से इनको ऊपर उठाकर इनकी भक्ति का उद्धार किया था। कही रविदासो, रविदास यानी रैदास कहते हैं, सुना उरे संतहु, हे संतो मेरी बात सुनिए। हरि जीवते सभे सरे, हरि जी से ईश्वर से सब कुछ संभव होता है, यानी ईश्वर हर चीज को संभव कर देते हैं। वे छोटी जाति को नहीं देखते, सिर्फ भक्ति को देखते हैं, जो ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, ईश्वर उनसे प्रसन्न होकर उनका उद्धार जरूर करते हैं।
अब यहाँ पर संभावित प्रश्न ये हो सकता है कि छोटी जाति के लोगों के प्रति ईश्वर का रवैया कैसा था। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि पांचों संतों के नाम देकर कवि क्या बताना चाहते हैं। अब मैं रैदास के पद को विस्तृत रूप से समझा चुकी हूं, इसमें से कोई शंका कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।